झुनझुनवाला के समूह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। कंपनियों के प्रमोटर सत्यनारायण व आदर्श झुनझुनवाला है, जहां यूपी, बिहार, नई दिल्ली व महाराष्ट्र में संपत्तियां जब्त हुई हैं। 814 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त की गई हैं, जहां पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त की गई है। 814 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने झुनझुनवाला समूह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंपनियों के प्रमोटर सत्यनारायण व आदर्श झुनझुनवाला हैं, ये संपत्ति जब्त की गई है। यूपी, बिहार, नई दिल्ली व महाराष्ट्र में ये संपत्तियां जब्त हुई है। खबर जानकारी के साथ संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, झुनझुनवाला समूह के करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, और क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ, आदर्श झुनझुनवाला और सत्यनारायण झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी ने पहले ही मुकदमा दर्ज किया था। उनके खिलाफ जो है ईडी ने इसलिए मुकदमा दर्ज किया क्योंकि इकोनॉमिक फ्रॉड उन्होंने किया था। विदेश की ईजीएल कंपनी और पीटीआई के जरिए दोनों ही मिलकर के करोड़ों रुपए का जो घोटाला है वो किया हुआ था। पेपर्स में हेर फेर नजर आए हैं, 12 जगहों पे तकरीबन कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ के साथ साथ दिल्ली में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। लगातार बड़े फ्रॉड विदेशी कंपनियों के जरिए, क्योंकि ये तेल की सप्लाई का काम करते हैं झुनझुनवाला, इनकी कंपनी जो आईसीएल है वो आईजीएल है जो वो कंपनी काम करती, तो ऐसे में लगातार बड़ी गड़बड़ियाँ, जो आर्थिक गड़बड़ियाँ हैं वो देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर के ईडी ने छापेमारी के दौरान तमाम जो संदिग्ध कागज हैं वो भी बरामद किए गए थे। पूरे देश में तकरीबन 12 से ज़्यादा छापेमारी की गई थी। इस दौरान जो करीब तकरीब 814 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्तियां हैं वो अस्थायी तौर पर ईडी ने जब्त की है। 512 एकड़ से ज़्यादा की जमीन जो है वो जब्त की गई है, क्योंकि पूरे देश के कई राज्यों में एक लंबा काकस जो है वो बनाकर के झुनझुनवाले की कंपनी ने रखा हुआ था, और विदेश की कंपनियों से कहीं ना कहीं मिल करके हिंदुस्तान में एक बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था, जिसको लेकर के लगातार ईडी की निगाह थी और ईडी ने गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद उसकी जो है जांच की गई। जांच में तमाम संदिग्ध चीजें निकल के आई है और यही वजह है कि अस्थायी तौर पर 814 करोड़ सौ से भी ज्यादा की संपत्तियां सीज की जा चुकी है। संजय, क्या इस मामले में आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिस तरह से अभी जब्तीकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह की झुनझुनवाला पर कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार जब्ती की कार्रवाई की गई है, उनके तमाम सपोर्टर्स और शेयर मार्केट में जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उन पर भी बात की जा सकती है। उनकी जो और सपोर्टर्स हैं, जो ये कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे के जो पार्टनर्स हैं, उनकी भी तलाश जारी की जा रही है। इनको विदेश से फंड लाने में और इस फंडिंग पे जिस तरीके से जो ये कहा जा सकता है कि अवैध ढंग से इसका रख रखाव और उसका यूज किया जा रहा है, उन पूरी चैन की भी खंगालने की ईडी प्रयास कर रही है कि जिसके जरिए जो जांच हो और जांच से इन तमाम तथ्यों को निकाला जा सके। तो कौन कौन लोग इस बड़े स्कैम में शामिल हैं, क्या क्या संदिग्ध लोग और कौन हैं, कौन सपोर्टर्स हैं, तो ये पूरी चैन है जो स्कैम की चैन है उसे खंगालने का ईडी प्रयास कर रही है। तो आगे भी अभी जांच जारी रहेगी, ईडी के जरिए पूछताछ भी जारी रहेगी और यही वजह है कि पूछताछ में तमाम तथ्य निकल रहे हैं, तभी 814 करोड़ से ज्यादा की जो अस्थायी तौर पर संपत्ति सीज की गई है वो ईडी ने कार्रवाई की है। धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए।